अच्छा क्या नाम है अपना? शुभम सिंह। शुभम भैया ये बताइए कहाँ है इधर की के वोट बुलेटिन में वोट तो डाली थो जी जी, तो कहा लागत है कि स्थिति कुछ बदली की वह पट्टी में चल रही? नहीं बदली है बेरी। हाँ कहा बदला चाहिए थे अपना? ये बेरी सप्ताह मतलब अध्यक्ष जी उन रहे पहले उनका ठीक रहा, बीच में अपन प्रभार जो रहा बदल दिए, ओके बाद से बिल्कुल नगर पालिका कितनी दुख हो गया है कि जहाँ पंचे बरसात में घरे जाई थी मान ली अपने, तो मतलब गाड़ी एक जाके तो एक जाती मान ली, मतलब रोड तक नहीं अब तक नहीं बनी है। नहीं तो या तो मूलभूत आवश्यकता हो गया ना, या वार्ड के पार्षद जो है उनके घरे ठेतनी गंदगी है तो अपन नाली नहीं साफ करा पावल है तो हम अपने रोड का बनवाई है। बिल्कुल सही बात है, बेहद अच्छी बात की जब खुदा पार्षद जो है आक्रमण है कि अपन नाली नहीं साफ करावे तो आन के का समस्या का समाधान करी। यह बताई कि मौका जैसा युवन का दिन जा अलग है जी, जैसा यह मांग उठ रही है लोगों से कि अब युवा वर्ग जो है नेतृत्व करे, जैसा पुरान आदमी रहे तो वो क्या कर रहे हैं कि मोबाइल उनका दे दे तब ये टच वाला मोबाइल ना चला पाई है ना, तो आज के जो युवा है वह तेज है जी, तो वह समस्याओं का जल्दी सुन सकते हैं समाधान हो जल्दी कर सकते, क्या लागत है कि यह स्थिति ठीक रही जी? युवा पर कई सामने था, युवा वर्ग कई युवा का मौका दे चाहिए अब। हाँ। जी और युवा कुछ कह सकत है अब, बुढ़ाउन के मथरे ना हो अब कुछ नहीं हो सके, काहे इनके काहे ये में स्थिति काहे काहे के आज के प्रवेश जो हो रही बदलन लागी, अब बदलन लागी जो पहले के रहे बड़े पढ़े लिखे रहे लेकिन ओमा नहीं रहे ऑनलाइन में, लेकिन आज के जो युवा है वो ऑनलाइन में है और वह लाइन में चल सकत है, और हमको तो नहीं लागे कि जो उन पहले वाले हैं तो कुछ कह सकत हम। चलिए अब विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। चुनावी चकल्लस की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 का स्वामी विवेकानंद वार्ड के नाम से जाना जाता है, और यह वार्ड जो है मूलभूत आवश्यकता अभी पूर्ण नहीं भया है, जो बुनियादी आवश्यकता है उससे लोग जूझ रहे हैं, और हालात यह है कि नगरी जो व्यवस्था है वह शहरी व्यवस्था है उमा एक बेहतर सुविधा दे के बात कही जाती किंतु वह कागजी स्थिति में है, कागज़ में बेहतर दिखाई दिन जाते हैं किंतु जमीनी हालात बेहद उलट होते। ओहन खितिर चुनावी चकल्लस एमपी संदेश न्यूज़ 24 के टीम पहुंची है वार्ड नंबर 10, और यहाँ हमारे साथ यह वार्ड नंबर 10 के जनता बैठी जे यह बात के पुष्टि करी कि आखिर विकास भा है या विनाश भा है। आज़ादी के दशकन बाद आज हम मूलभूत आवश्यकता की तिर लड़ी रहे हैं, आखिर कब तक ये लड़ाई लड़ाई का परी, और कब ऐसे मूलभूत जो कहा जाए कि अव्यवस्था है जो व्यवस्था है कब ऐसे जो है हम कब चैन का परिपूर्ण की जाए। तो हमारे साथ यह जनता बैठी, जनता से हम शुरुआत करी थी, कहाँ नाम है अपना? विवेक सिंह बजरंगी। विवेक भैया कहाँ है स्थिति यह वार्ड के, वार्ड नंबर 10 के? वार्ड में कुछ मूलभूत आवश्यकता शेष बाकी है, जैसे अपना के पानी आज 3-4-5-6 साल से जब से यह नल के या रोड बने लाग नेशनल हाईवे के तब से पानी की समस्या बहुत जटिल है। लोग बीच रोड में देखे हो गोपाल दास मार्ग पर कि पाइप फूटी है वहाँ से पानी प्रयोग में ले, और दूसरा समस्या नाली की समस्या है, तीसरा समस्या जो रोड बन गई है गोपाल दास में कई जगह देखे हो अपना कौन जो डाइवर्सन है नीचे उतरे का आज तक नहीं बन पाया, कई बार लोग घटना घट चुके गिर पड़े। दूसरी समस्या कि 14-15 माह बाद थी एक अपने के 33,000 लाइन गई, आज शहर में कई लोग प्रभावित हैं, कई बार घटना घट चुकी, तो एक खेती न शासन न प्रशासन न क्यों आज तक कौन मेरे को जवाब अपना पचे चुनित है सांसद चुनी थे विधायकों चुनी थे अपना बच्चे पार्षदों चुनी थे अध्यक्ष चुनी थे, तो आखिर का ही अव्यवस्था का ही अब एक तरफा तो चुनाव नहीं जीता था ही विपक्षों दल पावत है वोट कतिपय कारण बस भाई सत्ता मिल जाते लोगन का बाकी वो जीता थे, हम यक नहीं कही पार्टीगत बात नहीं है, यक बिल्कुल गैर दली बात हम कह रहे हैं कि मात्र मान ली अपना आम वोटर आए हैं अपना कौनों पार्टी के न हो तो कहा शहर की व्यवस्था दुरुस्त करे की जिम्मेदारी के करी जन जनप्रतिनिधि के प्रथम दायित्व बना थे
कि जौन मूलभूत आवश्यकता वोटे ले भर का ही की कामो करी हाँ तो 5 साल बाद यही तो अपन गाना गावे लगे कि विकास हम ही करी थे विकास दूसर करी न केओ अब विकास ये आज देख ली हदी 33,000 ऊपर निकली है कितने गांव कितने घर प्रभावित हुए आए दिन लोग अब एक दो चार जन के घटना घट बताई नाली नर्दा साफ सफाई के कंडीशन में 10 में कितना नंबर देव अपने वार्ड का वार्ड क्रमांक 10 में नाली में तो नहीं 10 नंबर हम अपना का दे थे अपना जाँच ले कापी जाँच लागे और वो कापी जाँचे में 10 में कितना नंबर दे भी सब व्यवस्था में होगा वो 4 नंबर दिन जा सकता चलिए अपना 4 दे लाए हमका तो लागत है 0 नंबर के हालत ही काहे कि आज जब 1946 में नगर पालिका बनी तो सिर्फ यहीन खीतिर बनी रही कि सड़क बिजली नाली साफ सफाई एकर जो है बेहतर सुविधा दीजिए किंतु हालात यह है कि अब हम पचे हुए व्यवस्था से लड़ी रहे अब हम चले थे दूसरे और जो है का नाम है अपना नीलेश कुमार मिश्रा नीलेश भैया यह बताइए कि का है अव्यवस्था के आलम है कि राम राज्य है सरकार यह कहती है नेता यह कहते हैं विधायक कहते हैं सांसद कहते अध्यक्ष कहते हैं पार्षद कहते कि राम राज्य है हमारे क्षेत्र में कौनों समस्या है राम राज्य की फे या बिल्कुल दिन में सपना दिखावे जैसा गणेश भैया अभी यह वार्ड के रहवासियों के नाते पिछले लगभग जन्म से यहाँ है लगातार कई नगर पालिका चुनाव दिखेन कई विधायकी चुनाव दिखेन और अपने सांसदिक चुनाव दिखेन लेकिन हमेशा वादा तक बात सीमित रहती है आज अपना अपने वार्ड नंबर 10 में ही हम पता चल के देखी अगर तो लगातार अबे वो कचरा निस्तारण की व्यवस्था जो हो चाहे जो में आज वह में के पहले जैसा आज वो कचरा निस्तारण की व्यवस्था नहीं है हर अपना गली चले जाएगा हों अपना अस्त व्यस्त कोनो प्लाट में कचरा फेंका पाए जाओ नहीं तो ये बताइए आखिर जनता चुनत का है खातिर ही इनका बहुत का है कृष्ण भैया की आशा और उम्मीद कि जनता के बहुत बड़ा पक्ष होता है वो आशा से ही और सामने वाले के वादा पर अपना प्रतिनिधि चुन लेते भरोसा कर लेते अब या फिर से वह वक्त आवल लाख है कि जे वो भरोसा में खड़ा न उतरे हुए तो अब उनका सबक सिखावे के मौका आ गया है कि अब जे अपन वादा न निभाइन हो तो एक ऐसा प्रत्याशी और ऐसा व्यक्ति सामने आवे जो उनकर बात ऊँचे मंच तक ले जाए और जो मूलभूत आवश्यकता ही वार्ड के अपना जैसा चर्चा में ही दिखेन जो मूलभूत समस्या है वही बिजली पानी कचरा लगभग वार्ड में ही मुख्य समस्या होती है एक बात कुछ सरकारी योजना होती है जिनमें ही कुछ वर्ग विशेष जो होते हैं जो सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है उनका एहू के बारे में प्रयास समय समय पर होता रहना चाहिए पार्षद के माध्यम से और नगर पालिका के चुनाव जाए लाख नगर पालिका से जुड़ी बहुत सारी ऐसा चीज़ हैं जो कि वार्ड में ही जो अपन सबसे बेसिक स्तर के जो लोग आवते हैं उनका जितनी भर योजना है नगर पालिका से होकर गुजरती है कि पार्षद एक ऐसा माध्यम होता है जो वो बात का ही उनके पचन के बातन का ही ऊंचे मंच तक पहुंचावत है वो चाहे व्यवस्था के लिए की हो कोनो आवास योजना हो या फिर इस तरह कोनो योजना सरकार के हो तो ओके तक पहुंचावे को वह कड़ी आए वह कड़ी जब सही से काम न करी तो निश्चित तौर पर जो सुविधा है वह जरूरतमंद तक न पहुंच पाई निश्चित तौर पर बेहद बड़ी बात है और यह बताई कि अब यह 10 नंबर में 10 नंबर यदि हम अपना का दे थे तो वार्ड नंबर 10 का या पार्षद के अध्यक्ष के काम का कितना नंबर दे अबे तो आलम यह है गणेश भैया कि हम एक नंबर दे कंडीशन में नहीं आए कारण यह है कि तो हो ही 0, 1, 2 हम यह विचार कर रहे हैं कि कुछ 0 के नीचे हुए हुआ दे दिन जाए कि जब अभी पार्षद हैं तो उपलब्ध नहीं होता है उनको ढूंढे परत उनका जब 10 में फ़ोन जाते हैं मोहल्लन से ही तब एक बाद 10 दिन बाद कहूँ कर तो फ़ोन लगी तब इन्हें बताइए कौन नंबर दिन जाए काम पर नंबर नहीं जाते और काम न करे पर नंबर नहीं दिन जाता है निश्चित तौर पर यह बेहद अच्छी बात कि काम नंबर दिन जाते हैं जब कामें नहीं करें तो नंबर कौने में दे और अब बात यह है कि व्यवस्था आखिर करी को वोट तो दे थे हर साल दे थे मतलब काहे न काहे के वोट बुलेटिन चलते रहा थे कबो सांसद के कबो विधायक के कबो नगर पालिका कबो ग्राम पंचायत मतलब वोट बुलेटिन खत्म नहीं हुई का नाम है अपना शंकर गुप्ता यह बताइए खुशी है वार्ड की व्यवस्था में बिल्कुल खुशी नहीं आए ना काहे कोनो काम नहीं हो मालिक काहे के खुशी हुई अब हम पंचायत थे मान ली कि दुकान डलिया खोले हैं ठीक अगर हमका बाथरूमों भर लाग तो कहाँ जी करे न कोनो नगर पालिका कुआ धरा है न कोनो हुआ धरा है कि मतलब जाए के मनी भाई अब हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोले थे कि स्वच्छ भारत कहाँ दिख रहा है हर वार्ड हर रोड के थोड़ा थोड़ा वो होना चाहिए कि बाथरूम करने की व्यवस्था तो हम लोग ऐसे जाते हैं तो वार्ड के अंदर साफ सफाई है वार्ड के अंदर देख लीजिए यही साफ सफाई है आप भी देख रहे हैं कहाँ साफ सफाई है बिल्कुल साफ सफाई नहीं है वार्ड के अंदर नहीं तो वोट के काहे का दे थे वोट दिन जाते हैं कि साफ सफाई स्वच्छ रहा है हमारी जो वार्ड हमारा है तो स्वच्छ रहे लेकिन कोई स्वच्छ नहीं रहता वोट के समय कहेंगे एकदम आपको ये करवा देंगे वो करवा देंगे जहाँ वोट चुनाव खत्म हुआ इसके बाद हो गया
सब करवा दिए, खत्म। हाँ खेल खत्म बस। चलिए यह खेल जो है कोहू न कोहू कर रोके के परी हुआ, खेल का एक बेहतर खिलाड़ी के तरह खेले के परी, तब जाए के कहो जनता के समस्या जो है खत्म हुई, वह समस्या से निजात मिली। कहाँ नाम है अपना? राजू साकेत। कहाँ क्या है अपना? हम अंधियार को। यह बताई कि है समस्या है वार्ड नंबर 10 में? बहुत समस्या है सर। तो को सुना है काहे नहीं अपना पचन की समस्या? ये सुनते नहीं अपन, चुनाव के समय में यही पे के बाद आराम झड़ाम मार के निकल जाए, बस ये समस्या है। चुनाव के समय आवत है जब चुनाव के समय कि ये कर दे आज तक ना नाली बनी, ना लाइट की व्यवस्था, ना रास्ता की व्यवस्था, बरसात में आदमी परेशान हो जाते, पूरे घर में पानी भर जाता है, ये समस्या है। ये मान ली समस्या लगातार जो है कह रहे हैं लोग, आवाज़ दे रहे हैं, किंतु आवाज़ सुनने वाला नहीं है। को प्रशासन एक या व्यवस्था के अंग आए, जब जनप्रतिनिधि जो है कहो न कहो तंदुरुस्त हुई और वह दुरुस्तगी से उनकर बात रखे हम लोगन के, तो निश्चित तौर पर प्रशासन विवश हुई कि उनकर काम करी। किंतु हालात यह है कि जब अंधन के राज माँ गधा पंजीरी खाए, हालात यह है कि कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। क्या नाम है भैया? सूर्यकांत सोनी। ये बताइए कि क्या खुश हैं व्यवस्था से? खुश कहाँ से रहा साहब, ऐसे के भाई बाढ़ की व्यवस्था ये मैं पानी की तिर नहीं कि इतना संकट है। अब पिछले साल टैंकर आवत रहे हम पानी देते रहे नगर पालिका से, अब वह व्यवस्था बंद हो गई है, पाइप लाइन पड़ी है भाई, लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं दीन गा है। पिछला कनेक्शन जौन रहे हम वो कनेक्शन जौन है तो अब रिकॉर्ड में चल रहे हैं, पैसा वसूली कीन जाते हैं, लेकिन कनेक्शन नहीं दीन गा। तो यह विकास आए हो लाख है नहीं तो वसूली काहे के हो ला ही, जब फिर ये में टैक्सों ले लागे, स्ट्रीट लाइट जलती है अपना पचन के मोहल्ला में? कहाँ कुछ नहीं जलती है, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं जलती है। बताई नहीं ये समस्या पार्षद से? कैसे बताई, जब क्यों सुनने वाला हो तब ना बताई भाई, बताई तो लागे नहीं है भाई, सभा चल रहा ही है, हम गुहार मार लगाई लागे ना अपने, क्यों सुने तब ना सुनता ही नहीं आई, तब फिर अब का करे मैंने? तो देखा तो हूँ ही ना, सुन नहीं आई, नहीं देखा था मैं तो, दिखे से का हो था भाई, ऐसे आए मैंने कही दिन ही सुन ली नहीं चलेगी। चलिए अपना ठीक है कि जब भाई असरा ही नहीं आए, तब असर जब ना हो तो बेअसर ही रही माहौल, और यह बेअसर माहौल में आखिर के सहारा बनी, बेहद बड़ी बात यह है। सहारा केहू न केहू तो बने पड़ी। आज युवन के कहा जाए कि बेहद बड़ी संख्या है, और युवा वर्ग यह कह रहा है यह चुनाव में कि कौनों युवा का प्रतिनिधित्व दिन जाए, काहे कि एक युवा जो है सकारात्मक सोच का लेके आगे बढ़ते हैं, और यदि सही ढंग से सोच लेते हैं, सही ढंग से कह लेते हैं, निश्चित तौर से तस्वीर बदल सकती है। तो हम पूछब का नाम है अपना? शुभम सिंह। शुभम भैया ये बताई का है इधर की के वोट बुलेटिन में वोट तो डाली थो जी डाले जी, तो का लागत है कि स्थिति कुछ बदली कि वह पट्टी में चल रही? नहीं बदली है मेरी। हाँ का बदले चाहिए थे अपना? ये मेरी सप्ताह मतलब अध्यक्ष जी जो रहे पहले उनका ठीक रहा, बीच में अपन प्रभार जो रहा बदल दिए, ओके बाद से बिल्कुल नगर पालिका कितनी दुख हो गई है कि जहाँ पंचे बरसात में घरे जाई थी मान ली अपने, तो मतलब गाड़ी एक जाके तो एक जाती मान ली, मतलब रोड तक नहीं अब तक नहीं बनी है। नहीं तो या तो मूलभूत आवश्यकता हो गया ना, या वार्ड के पार्षद जो है उनके घरे ठेतनी गंदगी है, वो अपन नाली नहीं साफ करा पावल है, तो हम आप जिनके रोड का बनवाई है। बिल्कुल सही बात है, यह बेहद अच्छी बात की जब खुदा पार्षद जो है आक्रमण है कि अपन नाली नहीं साफ करावे, तो आन के का समस्या का समाधान करी। यह बताई कि मौका जैसा युवन का दिन जा अलग है जी, जैसा यह मांग उठ रही है लोगों से कि अब युवा वर्ग जो है नेतृत्व करे, जैसा पुरान आदमी रहे तो वो क्या कर रहे हैं कि मोबाइल उनका दे देव तब ये टच वाला मोबाइल ना चला पाइए है ना, तो आज के जो युवा है वह तेज है जी, तो वह समस्याओं का जल्दी सुन सकते हैं, समाधानों जल्दी कर सकते हैं। क्या लागत है कि यह स्थिति ठीक रही जी? युवा वर्ग का सामने था, युवा वर्ग का युवा का मौका दे चाहिए अब जी, और युवा कुछ कह सकते हैं अब, बुढ़ाउन के मथरे ना हो अब कुछ नहीं हो सके, काहे इनके काहे ये में स्थिति काहे काहे के आज के प्रवेश जो हो रही बदलल लागी, अब बदलल लागी जो पहले के रहे बड़े पढ़े लिखे रहे लेकिन वो में नहीं रहे ऑनलाइन में, लेकिन आज के जो युवा है वो ऑनलाइन में है, अब वो लाइन में चल सकत है, और हमका तो नहीं लागे कि जो पहले वाले हैं तो कुछ कह सका था। चलिए अब बस उम्मीद आखिरी उम्मीद लोगन के युवा हैं
और युवा यदि आवत है मौका दीन जात है, बड़ी बड़ी पार्टी है, यदि मौका दे थी तो निश्चित तौर पर या तो हो सकत है कि तस्वीर बदल सकत थी। अपना का नाम है भैया? अनिल सिंह। यह बताइए का वार्ड माँ अपना के राम राज्य है? राम राज्य नहीं है, तकऊ राज्य है, रावण राज्य पैदा है। हाँ, 10 वार्ड में ना कहीं नाली, आप देखेंगे घर थे ये चलता है ये आपके बोर नगर पालिका का, तो पूरे खेते में पानी रोड में बह रहा है, वहाँ से अब सीधे द्वारे से निकल रहा है। सुना ही नहीं को नहीं, कितने बताए आपके पीपर है दक्षिण करौंदिया में, वह पीपर के पेड़ उतनी नालियां अभी अधूरी हैं। नहीं तो के है जिम्मेदार, का लागत है अपना जिम्मेदार के है? जिम्मेदार नगर पालिका ना रही, जनता नहीं है जो वोट दे थी, जनता ही जनता ही तो जनता यह सोच रहा ही के समस्या यह है कि ये समझ लेती कि आदमी सही है। अब आप बनाएं इधर उधर बताएं कि आपकी समस्या सब हम हल कर देंगे तो मनई चुन लेते थे, मनई एक बात पे अपन अपन गच्चा खाए जाए थे, चले जाए थे। पार्षद लोग हो गई या काम हाँ दादा हो जाएगा, अब होत का है कुछ नहीं, जीरो। तो का को करी कि ना करी? करी, युवा वर्ग को दिया जाए समय, यदि युवा को कमान दे दिया जाए तो युवा लोग करेंगे, वो दौड़ेंगे। वुमेन निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात यह है, हम पहले कही लागे कि युवा वर्ग का सीधे प्रतिनिधित्व के मांग हो रही है, युवा वर्ग ऐसे कि वह युवा वर्ग कहो न कहो यह सोचत है कि आखिर कौनों काम का कम समय में कैसा कह लीन जाए, वह टेक्नोलॉजी के उपयोग करी वह अन्य चीज़न में मौका सबको मिले चाहिए, चाहे वरिष्ठ हों, वरिष्ठ के अनुभव का युवा के तेजी का दोनों को उपयोग करे चाहिए। अपना का नाम? शाहरुख खान। यह बताइए क्या स्थिति है ये वार्ड में? कुछ नहीं सही है सर, सब बेकार है यहाँ। देखिए यहाँ पे इतनी गंदगी होती है, झाड़ू मारने नगर पालिका वाले आते हैं उनको पैसे दे के झाड़ू मरवाने पड़ते हैं, कौनों काम हो पैसा दे पड़ता है। काहे ये जरूरत काहे पड़त है, का लागत है कि यह सिस्टम में कहाँ कमी है कि हमें स्थिति हो? सिस्टम है पूरा गड़बड़ है, ऊपर से नीचे पर तक आंजी बताए तो आदमी गुहार मार रहे हैं, अपना पचे सब कह रहे हैं, उनके बाद सुनवाई नहीं है। कुछ नहीं है सर, मोहल्ले में कचड़े की गाड़ी, ये होता है कचड़े की गाड़ी, तो एक दिन आती है 3 दिन नहीं आती है। मोहल्ले में कचड़ा कहाँ फेंकेंगे? मोहल्ले में होगा फेंकेंगे, उससे गंदगी नहीं होती है, अपना ही मोहल्ला खराब होता है। लागत है एक से निजात कबो मिली, कबो भला हुई या फिर कुछ जीवन सुधरी आ गया। देखिए अहमत नहीं लागे, यह मेरे सब आवत है चुनाव के टाइम में ही सब हुई, साफ सफाई सब चीज़ सब सुरक्षा हुई, मगर हो कुछ नहीं है। देखिए नहीं तब अपना खुद युवा है ना, यह बताइए का जरूरत का है यह वक्त के कि लोग संगठित होए उफे आगे आमें हैं, जनता संगठित होए। जैसा ये बताई कि लोग जो है वोट जो है दारू माँ साड़ी माँ पैसा माँ यह में हो जाते हैं, जाति माँ कि फल फला ठाकुर आए को बामा ना आए तो वो का दे तो ठाकुर ठाकुर का, यह में एहू मत से तो विकास अवरुद्ध होता है, लागत है कि नहीं? हाँ जरूर होता है भाई, सही आदमी तक वोटे नहीं पहुँच पावे और एक चलते मतलब इस ये लागत है कि यह में दिक्कत हो थी होते नहीं भी मतदाता जो है यदि ये बात सोचे तो कहो न कहो ये बात दूर हो सकती है, जरूर है समस्या दूर हो सकती कि नहीं? ये हो सकती भाई। चलिए यह चुनावी चकल्लस है, यह चकल्लस में हर तरह की बात होती कि युवा का प्रतिनिधित्व के साथ साथ मौका चाहिए, कहे कि वह मौका के तलाश में है और मौका के तलाश में अपन वह हर क्षमता एनर्जी ऊर्जा जो है लगावे चाहत है एक नगरपालिका क्षेत्र के भलाई में, वो माँ कोहू का मौका दी जाए, किंतु जनता के साथ गद्दारी के सिर्फ सजा जो है तय नहीं है, ऐसे यह सब कुछ हो रहा है। यदि सजा तय कर दी जाए कि जनता जे का चुना थी और जनता वो मन नंबर दे और यदि असंतुष्ट होती जनता तो उनका सजा के प्रावधान हो तो शायद वो डर के मारा जो है विकास करी ही, किंतु सोच बहुत है इंसान के, बहुत कुछ सोच सकत है, किंतु यह लोकतंत्र जो है इजाज़त नहीं दे कि एक जनप्रतिनिधि का सजा दीन जाए, एक जनप्रतिनिधि का सलाखन के पीछे भेजा जाए कि वह झूठा वादा कह के जनता से वोट तले लीस, किंतु उनके वोट के जो है गलत तरीके से वह जनता जो है रोबत ही मतलब चिल्ला थी, किंतु वह दर्द का सुनने वाला नहीं है, दर्द का सिर्फ कुरेदे वाले नेता हैं जो बेहद दुखद है। किंतु अब 21वीं सदी की बात हो रही है और यह दौर में
लोग जो है बेहद स्मार्ट है। शिवराज सिंह आए रहे यहाँ कह के गए रहे कि सीधी मिनी स्मार्ट सिटी बनी, किंतु अब स्मार्ट सिटी कहाँ ही हमका तो लागत है कि अब नाली सड़क बिजली स्ट्रीट लाइट साफ सफाई मूलभूत आवश्यकता जब नहीं पूरा है तो फिर अब काहे की स्मार्टनेस। अब देखा भी है दिलचस्प हुई कि जो सरकार ही उनका दावा है कि हर जगह राम राज्य है, का जनता के आक्रोश अब दिखाई या चुनाव में या फिर जनता फिर से वह में लुटे का तैयार ही अपने जाति पात बिरादर पैसा दारू एम अब बिक जाई या फिर अपने विकास के नाम पर वोट दी। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।